Union Culture Minister Mahesh Sharma faced flak over his comments on the tragic Dadri lynching. His visit has created quite a stir. The BJP leader came out in his defense after there were reports he would be booked under for violating Section 144. Sharma defended his presence in the volatile region of Dadri and pointed a finger at other leaders who visited. Look, the 28th दो तारीख को सवेरे वहाँ ओबेसी साहब पहुँचे उससे पहले कारंत मैडम पहुँची और उसके बाद मुझ पर ये इल्जाम लगने लगा कि यहाँ के सांसद कहाँ हैं चार दिन से कहाँ हैं मैं वहाँ के शासन के पुलिस प्रशासन के संपर्क में था लगातार और उनका सुझाव देकर कि मैं कब वहां पर जाऊँ दो तारीख को मैंने एक तारीख को मैंने शाम को उनके पास लिखित सूचना भेजकर कि मैं वहां जाना चाहता हूं उस सूचना के तहत पुलिस ने मुझे सुरक्षा व्यवस्था और एस्कॉट मुहैया कराई पुलिस मुझे साथ लेकर गई पुलिस स्कॉट की पुलिस ने स्कॉट की गाड़ी मुझे प्रोवाइड करी मैंने सूचना दी है बाकायदा लिखित में सूचना लिखित की सूचना की कॉपी मेरे पास आप देखिए मेरा कहना है कि अगर वहां किसी एक व्यक्ति का हक और जिम्मेदारी थी वहां जाने की उस दुखद घटना के बाद तो मेरी मेरी और सिर्फ मेरी थी वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ पर वहाँ का विधायक जा सकता था बाकी मैं तो पूछना चाहता हूँ कि बाकी लोग और, और किस लिए गए थे बताएं ओबेसी साहब या केजरीवाल साहब बताएं कि वो किस लिए गए थे